मुझे लगा यार, मुझे तो ना यार ये तो मेरा धोखा हो गया। बस अमित भाई है, अमित भाई जरा घुसना इसमें, मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा भी देता हूँ। चाबी टेम्पू वाली चाबी है, टेम्पू वाली भाई बोल रहे हैं, टेम्पू वाली चाबी दे। अभी लास्ट टाइम अभी केदारनाथ गया था, इसीलिए गया तो वहाँ पे टकाटक काम कर रही थी, मुझे कोई समस्या नहीं, वगैरह पे कहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं हुई। तो राम राम जी, कैसे हो आप सब? आज भाई हमारे साथ है महिंद्रा की एक गाड़ी, वैसे आप समझ गए होंगे देख के ही, है ना, कौन सी होने वाली है ये। तो ये है भाई आज अपने सामने महिंद्रा की XUV 700। अब वेरिएंट कौन सा है, ओनर कौन है, कैसा एक्सपीरियंस है, वो सारी चीज़ बाद में, लेकिन आज है धनतेरस। तो भाई सबसे पहले आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। ये है AX5 डीजल, तो डीजल इंजन के साथ ही गाड़ी है, नई गाड़ी है, अभी एक डेढ़ महीना हुआ है ओनर को इसे लिए हुए। स्कॉर्पियो लॉन्च हो चुकी है, मेन चीज़ ये है कि भाई ने जब ली थी तब तक स्कॉर्पियो लॉन्च हो चुकी थी, तो भाई स्कॉर्पियो के ऊपर क्यों नहीं गए, है ना, तो वो सारी चीज़ें पूछेंगे। उससे पहले मैं बता दूं, ये गाड़ी है भाई यूपी डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद की, और XUV 700, ये आप देख सकते हो AX5 की बैजिंग भी आपको यहाँ पर दिख रही है, व्हाइट कलर आपको नजर आ ही रहा होगा, बताने की जरूरत है। हमारे साथ राहुल भाई जिनकी ये गाड़ी है, तो राहुल भाई सबसे पहले आपका स्वागत है इस चैनल में। तो सर ये बताइए सबसे पहली चीज़ कि कब लिया आपने इस गाड़ी को? सर मैंने 7 अगस्त को, 7 अगस्त 2022, यानी कि अभी 2 महीने, डेढ़ महीने हुआ है अभी, कहें तो हम। सबसे पहली जो चीज़ आएगी ना आज के टाइम में, वो यही आएगी कि भाई स्कॉर्पियो एन तब तक लॉन्च हो चुकी थी, है ना। अच्छा, आपने इसको बुक कब कराया था? स्कॉर्पियो लॉन्च हो चुकी थी, मतलब जब मैंने बुक कराई थी उससे 2 दिन पहले स्कॉर्पियो लॉन्च हो चुकी थी, लॉन्च हो चुकी थी। तो जब आप इसको बुक कराने गए थे उस टाइम डिस्प्ले में थी स्कॉर्पियो? थी उस टाइम, थी मतलब स्कॉर्पियो एन को हम कहें रिजेक्ट करके आपने इस गाड़ी को पसंद किया। तो सबसे पहले जैसे कि हम यूपी में जानते हैं, यूपी फिरोजाबाद है ना, एटा एटावा, ये बड़े स्कॉर्पियो वाले लोगों के क्षेत्र हैं वैसे, है ना, स्कॉर्पियो वाले लोगों के क्षेत्र तो हैं। और रीजन क्या है कि स्कॉर्पियो थोड़ी दबंगी दिखती है, लगता है कि ना कि आप एक ऐसा काम कर रहे हैं नेता टाइप का, और मैं बाइक प्रोफेशनल ना टैक्स एडवोकेट हूँ, तो मुझ पर थोड़ा सूट कम करती है गाड़ी। ओके, तो ये मेन रीजन था, सबसे बड़ा रीजन जो था वो यही था। अच्छा, और मेनली क्या था, फैमिली खास चाहिए थी मुझे जी, जिसमें मेरी फैमिली प्रॉपर तरीके से, अपने को नेता नगरी नहीं करनी है, सादा सिंपल, बिल्कुल बिल्कुल, है ना, फैमिली कार चाहिए। बिल्कुल। इससे पहले कौन सी गाड़ी है आपके पास? मेरे पास एक ग्रैंड आई10 गाड़ी है। ग्रैंड आई10, मतलब एक छोटी हैचबैक से और सीधा XUV 700, तो काफी लंबी छलांग है वैसे ये, है ना, छलांग कह सकते हैं, बट नहीं, लोग है ना धीरे धीरे पहले सोचते हैं कि ब्रेजा टाइप कोई ऐसी ले लें हम थोड़ी SUV। चलिए वो खैर कोई बात नहीं, वो तो अपनी अपनी, वो जो बात है वो सब थोड़ी यही बात है कि जो मेरे पास आई10 थी उसमें मैं और मेरी फैमिली जा सकती थी, मेरा छोटा वाला भाई भी है जी, या मेरे दोस्त हैं, जब जब हम दो लोगों की फैमिली जाती है तो वो इस XUV में प्रॉपर एडजस्ट हो सकती है। ओके, तो मतलब हम ये कहें कि आपने जरूरत के लिए गाड़ी ली है। हाँ। ऐसा, अब अगर भैया 21.5-22 लाख रुपया हम कह लें, थोड़ी बहुत चीजें बाहर से बंदा लगवा भी लेता है, मैटिंग हो गया 22 लाख की आप मान लो पड़ गई होगी आपको, तो 22 लाख में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं आज के टाइम में। तो और कौन कौन सी गाड़ी देखी थी आपने? मैंने हैरियर देखी थी। अच्छा, हैरियर देखी थी, बट ना लगता था कि XUV मतलब नहीं, बट हैरियर आपकी वही 5 सीटर ही रह जाती है फिर है? सफारी ऑप्शन था आपके पास? सफारी ऑप्शन था, वो सफारी थोड़ा सा मुझसे थोड़ा ऊपर जा रही थी। अच्छा, बजट से ऊपर जा रही थी। ओके। मुझे गाड़ी वो 25 लाख रुपए की नियर मतलब आसपास चाहिए थी। अच्छा, 25 के अंदर। हाँ, बट मैंने ना उसकी क्या नाम है उसका, MG Hector देखा था, बट MG Hector की पीछे की सीट्स है ना वो इतनी छोटी है कि लगता ही नहीं कि यहाँ पर कोई बैठ भी सकता है। अच्छा, हुंडई की गाड़ियों को बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है, तो अल्काज़ार भी एक चल रही है, वो देखा था क्या उसको? अल्काज़ार चल रही है, बट अल्काज़ार का कोई एक जैसे बहुत ज्यादा कोई, हाँ, कोई नमस्कार नहीं है, नहीं कोई ज्यादा गाड़ी नहीं दिख रही थी। अच्छा। जैसे XUV आप लेके जाएंगे तो लगेगी यहाँ XUV है, बट अल्काज़ार को उस स्टैंडर्ड आपको नहीं आपका देखा जाता ऐसा लग रहा था। अच्छा, XUV 700 लेने से पहले देखिए बहुत सारी रिसर्च करता है बंदा, कोई भी गाड़ी लेता है अपना 20-22 लाख रुपए आप डालते हो तो बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं। मित्र हैं रविकांत अग्रवाल जी जी, वो सारी रिसर्च ना उनपे खत्म हो गई थी, वैसे मान लीजिए जी, उन्होंने बोला कि बस आप XUV 700 ले लो, मैंने ज्यादा देखभाल नहीं किया कि नहीं इसको ले, इसको बस जाके उनके साथ बुक कर। जैसे अपने फ्रेंड के कहने पर गाड़ी ले लिया आपने अभी बोला, तो इस गाड़ी की क्या टेस्ट ड्राइव वगैरह ली थी आपने या ऐसे ही जाके? टेस्ट ड्राइव तो नहीं ली थी, बट जो हमारे मित्र हैं रविकांत जी उनके कमलेश ऑटो व्हील्स वालों से काफी अच्छे संबंध है। कमलेश ऑटो व्हील्स मतलब जो महिंद्रा का जो आपके यहाँ शोरूम है, ओके, जो ओनर है। हाँ, तो उन्होंने फिरोजाबाद में, जो फिरोजाबाद में है, तो उन्होंने बोला था कि नहीं मेरे कहने पर आप ले लीजिए, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मतलब जो ओनर है शोरूम के, उनके कहने पर आपने ये गाड़ी, और जो आपके रविकांत जी के कहने पर, उनके कहने पर मैंने 22 लाख रुपए बस डाल दिए बस। तो उस डालने से क्या आप संतुष्ट हैं आज के दिन? संतुष्ट, सेटिस्फाइड हैं पूरी तरह से। चलिए, XUV 700 का AX7 जो वेरिएंट है जी, और AX5 में 2-3 चीजों का डिफरेंस है जैसे कि आपका एडास नहीं मिलेगा उसमें,
ठीक है ना, एडासी मिलेगा और आपका अंदर भी इंटीरियर थोड़ी कुछ चीजें हैं, तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, मतलब वैल्यू फॉर मनी नहीं है वो सारी चीज़। 2 लाख रुपए को लेके मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो है ना सर ने काफी ज्यादा प्रैक्टिकली सोच समझ कर ये गाड़ी ली है। ऐसा नहीं है कि भाई फीचर्स के ऊपर, जैसे आजकल सभी लोग भाग रहे हैं कि भाई ये फीचर्स चाहिए ही चाहिए मेरे को, है ना, तो वो सारी चीजें नहीं है। तो या तो आपके पास बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा पैसा हो, खैर 22 लाख रुपए जो डालेगा वो पैसे वाला तो होगा, उसमें तो खैर कोई डाउट नहीं है, वो 24 भी डाल सकता है, 25 भी डाल सकता है, लेकिन बात आ जाती है प्रैक्टिकलिटी की, कि प्रैक्टिकल चीजें जो यूज में है वो अपने को होनी चाहिए, बाकी सब ठीक है। तो इसमें जो जो फीचर्स आपको मिल रहे हैं वो सारे यूजफुल हैं, या इसमें भी कुछ लगता है कि यार ये फीचर्स हमें, मतलब ठीक है हो ना हो, कुछ दो तीन चीजें ऐसी हैं कि अगर उनको ना देके अगर ये और कुछ लगा देते तो बेटर रहता। जैसे आपकी इसमें जो हैंडल्स हैं, जी ठीक है ना, आप हैंडल्स को आप देखोगे तो क्या होता है कि जैसे आपने इस हैंडल को ओपन किया जी और ये किया, अभी का क्या होता है, ये हैंडल डबल खुल जाता है, ये मेरी गाड़ी बंद हो गई, ठीक है। अब गाड़ी में लोग बैठ गए, अब मैं पीछे से क्या देख रहा हूँ कि ये हैंडल खुला हुआ है, मतलब गाड़ी आपकी बंद है लेकिन डोर बंद है। बड़ा मैं वहां से देख रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि मेरी गाड़ी में कुछ चुपक्के चल रही है, मेरे दिमाग में वो चीज सेट है कि यार हैंडल खुला हुआ है, मतलब शीशे में अगर आपको कुछ भी दिखाई देगा ना तो वो थोड़ा माइंड डाइवर्ट करता है ड्राइवर का, हैंडल है जी। फिर मैं क्या करूँ, गाड़ी को साइड में लगाऊंगा, हाँ, फिर मैं इसको हैंडल को अंदर करवाऊंगा, तब मैं गाड़ी को लेके जाऊंगा। ये है भाई ये X5, इस तरह का कुछ इंटीरियर आपको मिल जाता है ना, पूरी मतलब एक तरह से देखो आप तो सारा कुछ फुली अपलोडेड गाड़ी है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो अंदर बताइए सर क्या कुछ चीजें आप बता रहे थे जो क्या कि... मेनली बात क्या है ना, मैं पिछले 5 साल से गाड़ी चला रहा हूँ, वो कीलेस एंट्री है जी। जब मैंने X5, जब मुझे पता चला ना कि मैं X5 ले रहा हूँ उसमें की है, तो मुझे मतलब पुश स्टार्ट वाला इसमें नहीं है, नहीं है, तो मुझे लगा यार मुझे तो ना यार ये तो मेरा धोखा हो गया। तो वो चीज आपको, वो आपके ग्रैंड आइटन में, ग्रैंड आइटन में पहले से है, जो गाड़ी मैं 7 लाख की चला रहा हूँ जी, उसमें कीलेस एंट्री है, पुश बटन स्टार्ट स्टॉप है, ठीक है ना, ये जो मिरर है वो आपकी यहाँ से बटन दबाओ ओपन हो जाएगा, इलेक्ट्रिकली ओपन है। और इसमें क्या है कि आपको चाबी देगी, AX7 और AX7 लग्जरी में ये ऑप्शन नहीं है, आपको स्टार्ट स्टॉप का बटन मिलेगा, मतलब चाबी लगा के आपको स्टार्ट करनी है और मैनुअली बंद खोलने पड़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट हो जाते हैं। तो ये मतलब प्रैक्टिकल वाली चीजें हैं भाई जो सर बता रहे हैं ना, ये मेरे को भी समझ में आ रहा है कि ये कम से कम भाई देना चाहिए था। अगर इसको छोड़ के अगर वो बाकी सब चीजों कटौती कर लेते थे, कटौती अच्छा किस में कर सकते थे इसकी जगह, आपको क्या लगता है क्या चीज कम दे सकते थे? इन्होंने आप देख पाएंगे लंबी चीज स्ट्रिप दे रखी है जी। ये है भाई इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और ये सारा है ना एक में ही कर दिया है, देखने में काफी अट्रैक्टिव है, बट मुझे लगता नहीं कि अगर चीजों को कुछ ऊपर नीचे करते हैं तो ये सब चीजें एडजस्ट हो जाती है, या इसका रेट जो आदमी 22 लाख रुपए खर्च कर रहा है तो मुझे लगता नहीं है कि वो अगर 10-20 हजार और बढ़ा देते और बट वो दे देते तो बड़े बढ़िया। अच्छा म्यूजिक सिस्टम कैसा है इसका? बढ़िया है, बढ़िया बिल्कुल। चलिए साउंड वगैरह सब मजा आ जाएगा, साउंड में कोई दिक्कत नहीं, मतलब आपको ना बहुत सी चीजों में आपको लगेगा कि ना गाड़ी ठीक ले ली। इसमें सनरूफ आपको पैनारोमिक मिली जाती है, है ना, तो वो तो आप सभी को पता ही है, एक बार खोल के दिखा देते हैं आपको। नहीं, सनरूफ लेने का रीजन ये था कि मेरी 8 साल की बेटी है, उसका मूड था कि हम गाड़ी ऐसी लाएं जिसकी छत खुल जाए। अच्छा अच्छा, खैर बच्चों में तो भाई क्रेज होता ही है, या तो केदारनाथ जी बद्रीनाथ जी, मैं खुद चला के ले गया गाड़ी। अरे वेरी गुड, तो अब ये बताइए सर हिल्स पर कैसा परफॉर्मेंस है? बढ़िया काम करती है, आपको लगेगा नहीं कि ना कहीं प्रॉब्लम दे रहा है। जब माइलेज की बात करें सर, माइलेज क्या दे देती है ये? जैसे अभी आप गए थे, मैंने मेरा अपना खुद का चलाना ये है कि मैंने इसको माइलेज ना 18.5 तक लेके आया हूँ MID के हिसाब से। यस, और टैंक टू टैंक का भी कैलकुलेट किया है? टैंक तो कैलकुलेट की स्थिति है कि मैं पिछले 5 साल से गाड़ी चला रहा हूँ, मैंने टैंक टू टैंक अभी तक कैलकुलेट नहीं किया, मतलब 18.5 अगर सर बता रहे हैं तो आप टैंक टू टैंक मान लो भाई 16, 16.5, 17 तक तो जो है इजीली मिल ही गया होगा, है ना, 1.5-2 का भी फर्क आया होगा। मेरा 7,000 रुपए में मैं यहाँ से केदारनाथ जी और बद्रीनाथ जी के दर्शन करके यहाँ फ्लेवल वापस आ गया। ओके, तो भाई मतलब सर का एक्सपीरियंस काफी अच्छा है अभी तक इस गाड़ी के साथ। अच्छा, सर्विस तो अभी हुई नहीं है, एक जनरल चेकअप हुआ होगा बस, है ना, तो उसके बारे में तो कुछ बात करनी नहीं है। और जब आपकी सोर्स है भाई ओनर से तो आपकी गाड़ी की तो सर्विस बढ़िया हो ही जाएगी उसमें। सोर्स क्या, आपके संबंध ऐसे होने चाहिए, आपको ना संबंध। बिल्कुल, आ जाते हैं मेन चीज पे भाई, नेगेटिव्स। देखो आप कुछ भी ले लो, हम है ना एक इंसान जात ऐसी है, लंबोर्गिनी में भी कमियां निकाल देंगे, तो इसमें कमियां क्या क्या, नेगेटिव्स क्या क्या है इसकी? नेगेटिव चीजें कि इसकी जो पीछे वाली सीट है ना, उसमें बच्चे बैठा सकते हैं बस, आप सोचो ना कि 7 लोग बैठा तो नहीं बैठा पाओगे। ये तो अभी दिखा भी देते हैं भाई आपको एक बार, है ना, मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, यहाँ से बात कर रहे हैं सर, तो ये वैसे आपने देखा होगा इसमें है ना, एक तो आपको लेग रूम बहुत कम मिलता है, और उसके बाद ये सीट भी आप देखो ना, तो दो बच्चे आप किसी बड़े को बिठा भी दोगे ना, अभी मेरे पास अमित भाई है, अमित भाई जरा घुसना इसमें, मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा भी देता हूँ।
अमित भाई 5 फुट 11 इंच के हैं, अच्छे खासे हैं, है ना। अभी फीवर में थोड़े से कमजोर भी हो गए, तो अगर मैं अब यहाँ पे सीट लगा दूँ, ये लो, और अब मैं बोलूँ अमित भाई यहाँ से 500 किलोमीटर का टूर करना है, बैठे रहोगे? मुश्किल है भाई। हैं? ये तो पैर पहली बार तो पैर जोड़ रहे हैं। पैर देखा ना, ये देखो पैर, ये भाई देखो, नहीं मतलब काफी मुश्किल हो जाता है यार थर्ड रो पे। वैसे अगर फैमिली के साथ आप जैसे अभी गए हो, लंबा टूर किया आपने, तो कंफर्ट कैसा लगा फैमिली वालों को यहाँ पर पीछे? बहुत, यहाँ पे आप देख रहे हैं स्पेस काफी है। नहीं, स्पेस लेग रूम तो खैर काफी है, भर भर के है। सीट का कंफर्ट किसी ने कोई शिकायत करी आपसे? कोई शिकायत नहीं करी। बच्चों को पीछे बैठाया? बच्चों पीछे बैठाया। अब मेन चीज बताइए, बच्चे पीछे बैठ के खुश होते हैं? वैसे आजकल बच्चों को चाहिए फ्रंट में सीट। नहीं, बच्चे अभी इतने बड़े नहीं है कि वो आगे आगे आने की जिद कर रहे हैं। चलिए, थोड़े टाइम बाद ये भी समस्या फेस करनी है, वो तो सभी को करनी है। अब अगर बूट की बात कर ले भाई, जैसे थर्ड रो अगर आपकी खुली हुई है ना, तो उसके बाद आपको बूट में क्या मिलता है? भाई बूट में मिलता है ये सबसे बड़ा नेगेटिव। अब ये देख लो, भाई का एक बैग है स्ट्रेट रखा हुआ, ये देख लो, छोटा सा बैग है, लैपटॉप वाला बैग है, वही आ पा रहा है भाई, इतनी चौड़ाई है बस, ये देख लो। तो इतनी जगह में आप क्या ही रख लोगे? आपने खाली आपका मिठाई के डिब्बे रख लो, मिठाई के डिब्बे। हाँ भाई, शादी वादी में जाओ किसी के यहाँ या मिलने जा रहे हो रिश्तेदार में, तो मिठाई का डिब्बा रख लो बस। ये भाई सबसे बड़ा नेगेटिव है। अगर आपने पीछे बच्चों को बिठा दिया, आप लोग 7 लोग जा रहे हो, 6 लोग जा रहे हो, 8 लोग जा रहे हो, तो भाई जाओगे तो लगेज लेके ही ना, उस बैग को कहाँ रखोगे आप? या फिर ये कि आप सुबह जा रहे, शाम को लेट गए तो वो अलग है। हाँ वो नहीं, वो एक अलग चीज है। अगर आप ट्रिप पे कहीं जा रहे हो ना भाई, तो सामान रखना बहुत ही ज्यादा इसमें हो जाता है मुश्किल। ट्रिप पे कहीं जा रहे हैं तो इसमें तो लगेज आपको पीछे वाली सीट आपको हटानी ही पड़ेगी, हटानी ही पड़ेगी। मतलब 5 लोगों के साथ ही आप ट्रेवल कर सकते हो। सबसे बड़ी जो नेगेटिव है ना, वो आपके सनरूफ है जी, तो ऐसा नहीं इसमें आपने ट्रॉली लगा दो। हाँ, ऊपर आप जो है ना कैरियर भी नहीं लगा सकते हो, तो ये सनरूफ का एक ये भी बड़ा है ना, वो भी नेगेटिव होता है। तो ये भाई सीन है कुछ इस गाड़ी का नेगेटिव का। अच्छा, इसके अलावा और कोई नेगेटिव सर? नहीं, और तो कोई नेगेटिव नहीं, बाकी सब ठीक है। तो ये है भाई, बाकी इसकी चाबी आप देख रहे हो महिंद्रा की। आप चाहे भाई कोई भी गाड़ी ले लो, आप बोलेरो उठा लाओ, स्कॉर्पियो क्लासिक ले आओ, स्कॉर्पियो एन ले लो या एक्सयूवी ले लो, चाबी सबकी सेम है भाई। चाबी है टेम्पो वाली, भाई बोल रहे हैं टेम्पो वाली चाबी दे रहे हैं, तो भाई कुछ शर्म करो, शर्म करो महिंद्रा भाई। मतलब चाबी लगना चाहिए ना कि यहाँ लटक रही है, तो हाँ भाई 22 लाख वाली गाड़ी की चाबी है ये, है ना, वो चीज नहीं देते। तो ये है भाई, बाकी गाड़ी बहुत सही है, बहुत बढ़िया है। भाई का डिसीजन बहुत सही है कि उनको फैमिली कार चाहिए थी, तो स्कॉर्पियो एन वैन के चक्कर में नहीं पड़े। और दूसरी बात, अगर कोई नई गाड़ी आती है ना, नई लॉन्च गाड़ी है और उसको आप लेते हो, उसमें अगर कुछ कमी है, तो भाई बिल्कुल नई जो गाड़ी लॉन्च हुई है उसको मत लो मेरे हिसाब से। तो 5-6 महीने पहले उसको चलने दो, उसमें जो एक दो इश्यूज होंगे ना वो कंपनी रिजॉल्व कर देगी 5-6 महीने में, उसके बाद इसको ले लो। अच्छा, इसके सस्पेंशन में से आवाज आती है? आती है। वो मतलब डिस्टर्ब नहीं करती? करती है। इरिटेशन होता है उससे? हाँ, इरिटेशन होता है, होता है। बट भाई वो है ना, वो है ही है, बाई डिफॉल्ट ही है वो, ऐसा नहीं है कि किसी एक दो पीस में हो, हर गाड़ी में यही चीज है, तो वो तो अब झेलनी पड़ेगी। बाकी भाई एलॉयज इसके काफी शानदार लगते हैं, टायर अच्छे खासे बड़े हैं, गाड़ी जमती भी है। एक चीज रह गई है वो और मैं पूछ लेता हूँ सर से, तो सर आप ये बताओ इसके हेडलाइट से कितना सेटिस्फाइड हो? जैसे रात में दिन में आप पहाड़ियों पे भी गए हो? नहीं, सही काम करती है, सही काम करती है, बढ़िया है। मैं भी लास्ट टाइम अभी केदारनाथ गया था, जिसी गया तो वहाँ पे टकाटक काम कर रही थी, मुझे कोई समस्या नहीं, वगैरह पे कहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं हुई। चलिए बढ़िया है, मतलब हर चीज से सेटिस्फाइड है पूरी तरह से, है ना। मैंने 5000 किलोमीटर चलाई है, तो 3000 किलोमीटर इस पे चलाई है और 2000 किलोमीटर प्लेन में चलाई है। चलिए बढ़िया है, मतलब सेटिस्फेक्शन हो तो ऐसा होना चाहिए भाई की आदमी हर तरह से मतलब ठीक है भाई, बढ़िया है, मेरे पैसे वसूल है, पैसा वसूल होना चाहिए। महिंद्रा ने मुझे ऐसे मान लीजिए 100 रुपए लेके 90 रुपए का माल तो दिया है, 90 रुपए का दिया है, मतलब 100% 90% सेटिस्फाइड है। 100% नहीं दिया, अगर पुश बटन दे देते तो कुछ बटन है, और भी एक दो चीजें हैं जो जेंटल हैंडल को लेकर, हाँ। तो दो तीन चीजें ऐसी हैं केयर देते शायद, तो मैं मानता मुझे 100 के 100 मिल गया। बाकी ये था आज के लिए एक छोटा सा वीडियो, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आ गया हो तो उसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिए। तो चलिए मिलेंगे जल्द एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद जय भारत।